क्वेश्चन मार्क इज कॉमा। कॉमा को हिंदी में कहा जाता है अलग विराम। डियर फ्रेंड्स, आज हम ऐसे तीन तरीकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें किसका यूज होता है, कॉमा का यूज होता है। ये मैं आपको वन बाय वन करके पढ़ाऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको उसकी एग्जाम्पल्स भी क्लियर करूंगी। पर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी अपनी नोटबुक निकाल के रखिए और मेरे साथ छोटी मोटी एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा जल्दी सीख जाएंगे और खुद भी एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अ कॉमा इज यूज्ड टू गिव शॉर्ट पॉज। जरा सा विराम देने के लिए क्या यूज होता है, कॉमा यूज होता है। अब कैसे कॉमा यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक छोटा सा बेबी है और आपने उसको बुलाना है, आप कैसे बुलाओगे, आयांच कम हियर। दैट मीन्स आयांच के बाद आपने क्या किया, थोड़ा सा विराम लिया, थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद आपने उसको क्या कहा, कम हियर, इधर आ जाओ। तो ये जब मैं बोल रही हूँ तब तो पता चल रहा है कि मैंने छोटा सा पॉज लिया, बट जब आप राइट करो तब भी पता चलना चाहिए कि आपने छोटा सा पॉज लिया। तो उसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे, कॉमा। आयांच के बाद लिखोगे कॉमा, कम हियर। अरमान डू वन थिंग। अरमान क्या एक काम करोगे, नो ही डिडंट वॉन्ट टू गो देयर। नो ये वहां नहीं जाना चाहता। यस आई विल गो देयर, हाँ मैं वहां जाऊंगा। दैट मीन्स एक्स के बाद क्या लग गया, कॉमा लग गया। दैट मीन्स क्या यूज हुआ, छोटा सा पॉज यूज हुआ। अब आपको तो पता चल गया होगा कि फर्स्ट पे कहां पे यूज होता है, छोटा सा पॉज देने के लिए क्या यूज होता है, कॉमा। अब हमारा सेकेंड वे क्या है, ऑलवेज आफ्टर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस। वाक्य के शुरुआत में विशेषण के तुरंत बाद क्या यूज होता है, कॉमा यूज होता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूं, वाक्य की शुरुआत में विशेषण के तुरंत बाद क्या यूज होता है, हमारा कॉमा यूज होता है। अब कैसे यूज होता है, आपको सिखाती हूं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, फाइनली ही पास्ड एग्जाम्स। फाइनली के बाद मैंने क्या किया, एक छोटा सा रेस्ट ले लिया। उसने क्या किया, अपने एग्जाम्स को पास कर लिया। तो क्या यूज हो गया, कॉमा यूज हो गया। टुडे आई विल कम टू मीट यू। टुडे आज मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट डे का भी ले सकते हो, टुमारो वी विल हैव अ चैट ऑन दिस टॉपिक। कल हमारी क्या हुई थी, चैट हुई थी, किस पे, इस टॉपिक पे हुई थी। ओके चलिए अब एडवर्ब फ्रेजेस के बारे में जान लेते हैं। एट लीस्ट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस सक्सेस। हाँ तो मैं एटलीस्ट कॉन्ग्रेट तो कर सकता हूं इस सक्सेस पे। होप करती हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ आई होंगी। अब हम आते हैं अपने थर्ड डे पे। कॉमा इज यूज टू इंट्रोड्यूस एंड कोटेशन इन अनदर वर्ड। इट इज यूज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इन डायरेक्ट नरेशन। यानी कि किसमें यूज होता है ये, विराम किसमें प्रयोग करते हैं हम, ये शुरुआत में। दैट मीन्स किसके शुरुआत में, वाक्य की शुरुआत में हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही आस्क मी कॉमा डू यू नो हु आई एम। उसने मुझसे बोला क्या तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूं। तो दैट मीन्स क्या यूज हुआ, कॉमा यूज हुआ। तो क्या बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मैंने छोटा सा पॉज लिया। My dad says, never hurt anyone. मेरे पापा ने कहा, क्या कहा, मैंने पॉज लिया, never hurt anyone. किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। He said, I am your best friend. उसने मुझे बोला कि मैं क्या हूं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। होप करती हूं ये आपको थ्री वे समझ में आके होंगे कि कहां कहां यूज होता है कॉमा। फर्स्ट मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ, कॉमा हमेशा क्या यूज होता है, ऑलवेज जब हम क्या यूज करते हैं, शॉर्ट पॉज यूज करते हैं, तब क्या यूज होता है, कॉमा। कहाँ पे
में यूज होता है? वाक्य के शुरुआत में विशेषण के तुरंत बाद क्या यूज हो जाता है? कॉमा यूज हो जाता है। और कॉमा कहाँ पे यूज हो जाता है? इंट्रोड्यूस करने के लिए कोटेशन को। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं एंड ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इनडायरेक्ट नरेशंस में यूज होता है। होप करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा।